हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी उत्तपम, यानी मैं उत्तपम कैसे बनाती हूँ। ये कई तरह से बनाया जाता है, पर मैं उसको शेयर करना चाहूँगी, उस रेसिपी को जो मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने इस उत्तपम के लिए सबसे पहले सूजी ली है। मैं रवा उत्तपम बनाऊँगी। ये मैंने एक कटोरी सूजी ली है और इसमें एक बड़ा चमचा, ये वाला चमचा मैंने इसमें बेसन लूँगी। ये भी इसमें मिक्स कर लेते हैं और स्वादानुसार इसमें नमक। इसके साथ मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो मैं इसमें डालूँगी, ये करी पत्ता मैंने चॉप कर लिया, हल्का काट लिया है, ग्रेट किया हुआ मेरा जिंजर, कटा हुआ मेरा धनिया पत्ती, ये एक प्याज को मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक फूड प्रोसेसर में कर लिया, एक शिमला मिर्च बीजों को निकाल करके बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, दो टमाटर लिए थे और दोनों टमाटरों को मैंने फूड प्रोसेसर में किया है, और ये ग्रीन चिली है। फ्रेंड्स, ये मेरा फूड प्रोसेसर में करने का वजह ये है कि ये अगर मोटा होता है या थोड़ा सा भी अगर हम जैसा हाथ से काटते हैं अगर वैसा होगा तो बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं जहाँ तक होता है या तो पेस्ट बना करके यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको इस तरह से किया है, और अदरवाइज़ मैं पेस्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, मगर जो कट करके बारीक कट करके जो खाने में डिलीशियस लगता है वो बात ही अलग होती है। अब मैं इनको थोड़ा सॉफ्ट भी कर लूँगी, सॉफ्ट मुझे करना होगा बच्चों के हिसाब से। यहाँ ये मैंने एक कढ़ाई में घी ले लिया, तेल लिया है। जितने तेल गर्म हो उतने हम हमारे इस पेस्ट को तैयार कर लेंगे, और इसमें मैं हींग भी डाल लूँगी इसको मिक्स करके। और इसमें मैं दही को मथ लिया है, और मथने के बाद में छाछ जैसी बना ली है, तो आधी कटोरी के करीब मेरा दही था उसको मैं इसमें कर देती हूँ, और इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने करके रख लिया। आपके पास दही नहीं है, छाछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप पानी से भी कर सकती हैं। इसके गर्म होने पर मैं थोड़ा राई डाल दूंगी। अब इसमें मैं तड़कने पर हरी मिर्च डाल दूंगी और करी पत्ता। इसी में जिंजर डाल दूंगी ताकि ये भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मुझे सॉफ्ट ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसी में प्याज के साथ इसमें शिमला मिर्च भी थोड़ी सी सॉफ्ट होने तक। इसमें जितना नमक चाहिए उतना डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और इसी में टमाटर, इसको भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, हमें गलाना नहीं है, गैस बंद कर देते हैं, इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। हम अपने बैटर को देखते हैं और इसमें हरे धनिया को डाल देंगे, मिक्स करते हैं। हमारा ठंडा हो चुका जो हमने तैयार किया था, ये सब कटी हुई वेजिटेबल्स ये डाल देंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप कच्चा भी डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, कच्चे डालने में खाने में अलग से ही टेस्ट आएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी बहुत मुझे टाइट लग रहा है, यानी ये डो जो हमारा पेस्ट है इसमें थोड़ा रिक्वायर है वाटर का, तो हम पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें आप अगर मिर्च डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, लाल मिर्च वगैरह का, जितना भी आपको टेस्ट के अनुसार जो चीज़ चाहिए। मैं इसमें मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने शिमला भी और ग्रीन चिली भी डाली है, और साथ ही साथ जिंजर भी, इसलिए ये स्पाइसी खुद ही हो गया है। अब इसमें जो डालना चाहें वो डाल करके और इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। देखें फ्रेंड्स, देखिए कितना फूल गया है, आप देख पा रहे होंगे। और बनाने के लिए तैयार है, हल्का सा पानी और डाल करके इसको
मिक्स कर लेंगे। इधर मैंने नॉन स्टिक को गर्म कर लिया है, हल्का इसमें ऑयल अप्लाई कर देते हैं इस पर, एक चम्मच डाल करके और फैला देते हैं। बड़ा या छोटा आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। इसमें थोड़ा स्पेस है तो मैं यहाँ दूसरा भी फैला देती हूँ। इसको मीडियम आंच पर पकने देंगे। फ्रेंड्स, बहुत डिलीशियस और हेल्दी है, बच्चों के टिफ़िन में आप इसे रख सकते हैं और बनता भी जल्दी ही है। यदि आप इसको फ्राई करके नहीं बनाते, जिस तरह से मैंने इसको हल्का सा कच्चा और पक्का रखा है, और आप डायरेक्ट काट के बनाते हैं तो फटाफट तैयार होता है ये। फ्रेंड्स देखिए, जब ये पकने लगेगा पीछे की साइड से, बैक साइड से, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। फिर जब आपको लगे कि ये पक गया है, तब आप इसको ले करके फ्लिप कर दीजिएगा। बहुत कम ऑयल में बनता है। यदि आपको लग रहा है कि आपको और ऑयल चाहिए तो आप इसमें हल्का फुल्का लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको पकने देंगे। इसको फिर से पलट देते हैं। ये देखिएगा कितना अच्छा सिक रहा है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स हमारे उत्तपम तैयार हैं। इनको हम उतार लेते हैं। दूसरे लॉट को डालने से पहले हल्का सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे। बैटर को एक बार अच्छी तरह से ऊपर नीचे करेंगे और इसको फैला देंगे। फैलाते समय तवा आपका बहुत तेज नहीं होना चाहिए, हल्का मीडियम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर ही इसको फैलाएं। ये फ्रेंड्स हमारे रवा उत्तपम तैयार हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, खाइए, खिलाइए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आपको मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।